नमस्कार, मैं हूं कौशलेन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आपने भारतीय सिनेमा अवश्य देखा होगा। भारतीय सिनेमा में आपने ऐसे सीन जरूर देखे होंगे जिसमें गरीब लाचार को थूक चाटने के लिए मजबूर किया गया हो। लेकिन आज जो मैं ये वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो न तो सिनेमा का है और ना ही बाहरी मुल्क का है। ऐसा अमानवीय कृत्य करने वाले लोग ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले हैं। और ये घटना स्वतंत्रता दिवस के दिन की है और ये घटना नागौद रोड सतना विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नेता शशांक सिंह सोनोरा के साथी सुजीत सिंह के साथ मिलकर संतोष पांडे नामक शख्स के साथ मारपीट की और उसे थूक कर चाटने को कहा। डरा सहमा संतोष जान बचाने के डर से क्या कुछ नहीं करता, जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना नागौद में की, मगर नागौद पुलिस प्रकरण पर पर्दा डालती रही। अपहरण, अड़ाबाजी और गंभीर मारपीट जैसे मामले में नागौद पुलिस ने NCR काट मामले में पर्दा डाल दिया। न्याय न मिलने पर पीड़ित युवक ने इस मामले में सतना SP से शिकायत भी की थी। सतना SP ऑफिस में अब ये देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जो प्रकरण सतना में उभरा उस प्रकरण से सवर्ण समाज में रोष है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से इस तरीके का अमानवीय कृत्य न किसी दूसरे देश का है, तो मेरा सवाल यही है कि आखिर पुलिस इन जैसे शख्सों को क्यों बचाती रहती है। मैं जानना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सामाजिक न्याय और सबके विकास की बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताऊं, जो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो शब्द मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, लेकिन जब आप इन शब्दों को सुनेंगे, आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तालिबानी सोच मध्य प्रदेश के लड़कों में कहां से उभर रही है। ये किसका बल है? सत्ता का बल है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो लड़ चुके हैं। जब कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ जाता है और हार जाता है तो उसको लगता है कि मैं विधानसभा का सदस्य बन गया हूं। तो सवाल यही है कि मेरा कि वहां के SP ने अभी तक क्या किया, वहां की पुलिस आखिर इस पर पर्दा क्यों डाल रही है, आखिर क्यों ऐसे लोग खुलेआम घूमते हैं। और तस्वीरों में साफ देखिए, जबकि अभी कुछ दिन पहले नियम आया था कि आप अपनी गाड़ी पर नाम नहीं लिख सकते हैं, और ये भाई साहब अपनी गाड़ी पर नाम लिखे हुए दबंगई के साथ एक शख्स को पीट रहे हैं। आखिर ये हिंदुस्तान कहां जा रहा है, ये सोच कहां से पनप रही है। अब देखते हैं कि इस पर सतना के SP क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर सत्ता के दबाव में लीपापोती करके 2-4 दिन की हवालात के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। पूरा ब्राह्मण समाज इससे रोष है और होना भी चाहिए, क्योंकि लेन देन का मामला अलग है, लेकिन मानवता, अगर मानवता की बात करेंगे तो ये मानवता में कहीं पर भी फिट बैठता हुआ नजर नहीं आता मेरे दोस्तों। सत्ता का नशा कहे या जवानी का जोश, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीरें विचलित कर देंगी। हाथ में डंडा और आंखों में चश्मा लगाई ये महाशय विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। रौब इतना है कि अपने आप को किसी विधायक मंत्री से कम नहीं समझ रहे हैं। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, किस तरह से राजनीति के दम पर अत्याचार किया जा रहा है, पैर पड़वाया जा रहा है, थूक कर चटवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की ये वीडियो दर्दनाक है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वचन को तार तार किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गुंडों की तरह पेश आ रहे ये महाशय को देखिए, कैमरे के सामने दिन दहाड़े गोलियों से मारने की धमकी दे रहे हैं। जरा गौर कीजिए इस वीडियो को, किस तरीके से एक गरीब इंसान पर अत्याचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार आखिर क्या कर रही है? क्या सत्ता का इन पर कोई असर नहीं है? क्या पुलिस अधीक्षक हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? इन महाशय को देखिए, कैमरे के सामने ही गोली मारने की बात कर रहे हैं। गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग कहां से आते हैं और इनका सपोर्ट कौन पार्टियां दे रही हैं? किस पार्टी से इनका ताल्लुक है? ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। पैसा
पैसा दे। याद रखना गोली मार दूंगा घर में घुस के। तब हूँ दादा मैंने कर इतने कानून अपना के देर में दे रहे हैं बताओ। दो दिन का रुक ले मैं मोबाइल दूसरा वीडियो ना।